दोस्तों, एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, देखी एक कप नारियल की बुरादे से बहुत ही अच्छी मिठाई बना रही थी कोई। बड़ा मजा आया देख के, मन किया ट्राई करने को। जब घर में ट्राई करने लगी तो बेटा बोला, माँ इसका वीडियो क्यों नहीं बना लेते। मैं बोली, अगर सही नहीं लगा तो अपलोड मत कीजिए। मैं बोली, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन सच में दोस्तों, अब सोचती हूँ अगर उनका नाम जानती तो आज वीडियो में उनको मैं क्रेडिट दे देती। जय हिंद जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। तो दोस्तों, बिना गैस जलाए झटपट बनने वाला ये मिठाई चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए एक कप नारियल के बुरादे के साथ यहाँ पे एक तिहाई कप मैंने यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है वो लिया है, और मिल्क पाउडर के साथ 10 से 12 मैंने काजू लिया है, 3 बड़ा चम्मच चीनी, और उसके साथ 4 से 5 जो पिस्ता है उसको मैंने चॉप कर लिया है सजाने के लिए। बस इतना ही इंग्रेडिएंट है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, मिक्सिंग जार में तो सारा सामग्री डालिए, लेकिन आप चाहें तो इसको बिना चीनी का भी ये मिठाई बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चाशनी या बाइंडिंग के लिए जो चाशनी की जो मतलब कंसिस्टेंसी है कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बिना चीनी का भी आप ट्राई कीजिए। तो काजू, मिल्क पाउडर, चीनी और नारियल का बुरादा डाल के इसको हम क्या करेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे मिक्सी में। तो ये बन के तैयार हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपके मन में आ रहा होगा, ये अगर चाशनी में नहीं पकेगा तो बर्फी कैसे बनेगा। आगे आगे देखिए, बस ये जो पाउडर हमने बनाया है इसमें अभी हमें क्या करना है, 1 छोटा चम्मच देसी घी, और देसी घी के साथ हम यहाँ पे दूध डालेंगे। और मैं यहाँ पे पहले 1 बड़ा चम्मच दूध डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में डालूँगी, पहले हमें इसको हाथ से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, इसको हमें एक सॉफ्ट डो का ही आकार देना है, लेकिन ध्यान रखिए अगर दूध की ज़रूरत पड़ी तो डालिए, मेरे को और ज़रूरत नहीं पड़ी। और घी के वजह से ये देखिए हाथ में भी नहीं चिपका, और एक सुंदर सा डो बन के तैयार हो गया। अब डो बनने के बाद आप चाहो तो इसको लड्डू का भी शेप देके आप नारियल के बुरादे के ऊपर रोल कर सकते हो, आप चाहें तो इसका पेड़ा बना सकते हैं। मैं लेकिन ऐसे एक आइसक्रीम का जो प्लास्टिक कंटेनर था जिसमें हल्का सा घी ग्रीस करके मैं इसको बर्फी का शेप दे रही हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, जो डो हमने बनाया था इसको डाल के हाथ से दबाते हुए इसको हम सेट कर देंगे। आपका जो थिकनेस है मैं यहाँ पे मतलब 1 सेंटीमीटर से कम रख रही हूँ, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से आप फैला दीजिए। और जो पिस्ता था उसको ऊपर डाल के हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। आप पिस्ता के बदले काजू या बादाम को भी काट के डाल सकते हैं, या फिर चांदी का जो वक आता है ना, जो सिल्वर वक आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अब इसको डीप फ्रीजर में मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, डीप फ्रीजर में जल्दी बन जाएगा, उसीलिए पूरा अच्छे से सेट हो गया है। हाथ में इतना स्ट्रांग लग रहा है कि क्या बताऊँ। अभी चाकू से अपनी मनपसंद से चौकर काटिए या बर्फी का शेप दीजिए, यह आपके ऊपर है। तो आगे को राखी, जन्माष्टमी, कितने फेस्टिवल आ रहे हैं, वर्किंग है, टाइम नहीं है, लेकिन कम इंग्रेडिएंट से बिना गैस चलाए ये मिठाई एक बार जरूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक शेयर करना तो बनता है ना। बहुत जल्दी नई रेसिपी लेकर फिर आऊँगी। जय जगन्नाथ।